हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहित और ये है अपने भाई एमजे मनोज। हाय। तो काफ़ी ज़्यादा बंदों का ये क्वेश्चन था लास्ट ब्लॉग में कि बाक्स वाटरफॉल जो था वो बंद था ड्यू टू, आपको पता ही है, यहाँ पे फ्लड वगैरह आया था और बारिशें अभी भी हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं और यहाँ पर पानी वगैरह काफ़ी ज़्यादा था बाक्स वाटरफॉल में, तो उस करके बंद किया गया था। तो अभी ओपन कर दिया गया है, बट कब तक है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ आपको, बट अभी रिसेंटली ओपन है और टूरिस्ट वगैरह सारे जा रहे हैं, तो मैं भी जा रहा हूँ वहाँ पे और आपको बताता हूँ क्या व्यू है और क्या इंस्ट्रक्शन है। और पूरे रास्ते में भी इसमें इंस्ट्रक्शन वगैरह लगी हुई हैं, उनको फॉलो करें। और मानसून सीज़न में बारिश वगैरह हो तो कभी भी वाटरफॉल के पास जाने का रिस्क ना लें, बिकॉज पहले काफ़ी ज़्यादा ऐसे यहाँ पे केस हो चुके हैं कि बंदे वगैरह काफ़ी यहाँ पे फंस जाते हैं जो बारिश वगैरह होती है, पानी अचानक एकदम से बढ़ जाता है और कुछ भी पता नहीं चलता है, तो उन चीज़ों का ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं जिसमें वार्निंग वगैरह दी हुई है, बट अभी मैं आपको दिखाता हूँ तो टूरिस्ट नहीं मानते हैं और अभी भी वो नीचे पानी में कैसे एंजॉय कर रहे हैं, पिक्स वगैरह क्लिक कर रहे हैं, बट अभी काफ़ी रिस्क है यहाँ पे और वेदर अभी भी इतना अच्छा नहीं है यहाँ का। आप ऊपर पहाड़ों पे भी देख सकते हो मौसम ऊपर, बिकॉज़ नीचे अच्छा होता है और ऊपर पहाड़ों पे बारिश होती है, उस करके पानी वगैरह एकदम यहाँ पे बढ़ जाता है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा अभी भी यहाँ पे पानी है, जबकि फ्लड को आए हुए 6 से 7 दिन हो चुके हैं। और यहाँ पे जो साइड में दुकानें वगैरह हुआ करती थी, कैफ़े वगैरह हुआ करते थे, वो भी सारे ही डिस्ट्रॉय हो चुके हैं फ्लड की वजह से। तो अभी मोस्टली जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं वो अपर साइड यानी शिवा कैफ़े की तरफ ही जा रहे हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं जा रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखा दिया अभी बाक्स वाटरफॉल खुल गया है, बट कब तक खुला है नहीं है इसका कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज बारिशें काफ़ी हो रही हैं और टूरिस्ट भी नहीं मान रहे हैं। और आगे वाटरफॉल तक तो आप ना ही रिस्क ले जाने का, बिकॉज वहाँ पे पहले कैफ़े वगैरह हुआ करते थे, ऐसा कुछ भी नहीं रहा है ना ही अभी, वहाँ पर पानी भी काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर बारिश होती है तो एकदम पानी बढ़ जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें और सेफली आएँ, सेफली जाएँ, इंजॉय करें। और बाकी अभी मैं यहाँ का एक ब्लॉग और बनाऊंगा जिसमें आपको कौन कौन से सेफ प्लेस हैं वो भी जल्दी आएगा, आप कहाँ कहाँ पे घूम सकते हो। तो फिर मिलते हैं आपसे जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।